के दिन का तीसरा मुकाबला खेला यानी मुंबई स्ट्राइकर्स की टीम। तो आज के दिन का ये पांचवा मुकाबला चलता, मधुरी टीम जीत कर आगे आई है। हमदान एक अच्छे बल्लेबाज है, लंबे कद के, इससे पहले जब उनका मुकाबला हुआ था अच्छी बल्लेबाजी देखने के लिए मिली थी उनकी। फुरकानिया 11 ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और उमर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए पहली ओवर का किल्ला ले खेल लेकर। उमर दादू जी ये पहली ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अपनी तरफ से पहली, और टीम की तरफ से पहली ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए उमर दादू जी। हमदान सामना करेंगे उमर की गेंदबाजी को। यस ऑन लेट्स प्ले। वाइट ओवर तो विकेट की गेंद, वाइट बॉल, अंपायर का इशारा, इस वाइट के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ एक रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। 6 ओवर का मुकाबला पहले 2 ओवर तक खेल लेने अनिवार्य पावर प्ले का खेल देखने के लिए मिलेगा। उमर दादू जी गेंदबाजी करने के लिए पहली ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। कम उम्र के गेंदबाज हैं, अगर क्रिकेट में कद उम्र नहीं देखा जाता, क्रिकेट में केवल खेल देखा जाता है। केवली गेंद, ये अच्छी गेंद, इस समय अगर अंपायर का इशारा वाइड, इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। अवे फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड द ऑफ वाइड बॉल, इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन स्कोर बोर्ड पर लगता है। पहली गेंद देखी लक्ष्यम के बाहर वाइड, दूसरी गेंद देखी ऑफ्टम के बाहर वाइड। अगली गेंद उमर की, इस समय ये अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई, ताकि बॉलर खुद गेंदबाज अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करते हुए नजर आए। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वही के वही 2 रन। आज के दिन का पांचवा मुकाबला चलता हुआ फुरकानिया 11 बनाम मुंबई स्ट्राइकर्स के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। अगली गेंद, समय हमदान शॉट बड़ा खेला है, वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है तैनात, अच्छी फील्डिंग होती हुई नजर आई, एक रन लिया। इस एक के साथ स्ट्राइक रोटेट हुआ, अर्शद गए स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने के लिए। टीम के स्कोर की अगर बात की जाए 3 रन स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगता हुआ, रन संख्या में इजाफा होता हुआ। हमारे ऑन फील्ड दोनों अंपायर अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए, अब फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए नजर आते हुए। अगर पहली ओवर सकते हैं पावर प्ले का खेल है, 30 यार्ड सर्कल के बाहर 2 खिलाड़ी अब तैनात कर सकते हैं, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर तैनात है, दूसरा खिलाड़ी मिड विकेट पर तैनात है। डीप बीच फिर एक बार वाइड बॉल, इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 4 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 3 रन जो आए वो वाइड एक्स्ट्रा के रूप में आए, और 1 रन जो बल्ले से आया जो हमदान ने सिंगल लिया। अर्शद सामना करेंगे अगली गेंद उमर दादू जी की। इस बीच गेंद बल्ले का सही संपर्क ने कैच का मौका, पॉइंट पे खिलाड़ी है तैनात, अच्छी कैच ली है, वापस जाना पड़ेगा अर्शद को। उमर को मिली है पहली सफलता, टीम फुरकानिया 11 को मिली है पहली सफलता, वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज अर्शद को। अब नए बल्लेबाज पिछले जब मैच जब खेले थे, अपने इंडिविजुअल जब मुकाबले खेला था उसमें अहमद ने मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था, वही अहमद अब बल्लेबाजी करने के लिए जाएगा। एक्शन रीप्ले में आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कैच लिया, पॉइंट पर तैनात थे मिस टाइम स्ट्रोक का अर्शद का, और एक खूबसूरत कैच लिया। मुंबई स्ट्राइकर्स टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए, इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। उमर दादू जी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए, अच्छा मंच है, अच्छा मुकाबला है चलता हुआ, आज के दिन का पांचवा मुकाबला चलता हुआ। 4 रन अब तक खर्च कर चुके हैं गेंदबाज की अगर बात की जाए, 3 गेंदें हो चुकी हैं। अब यहाँ से आने वाली अगली गेंद उमर दादू जी के सामने करेंगे बल्लेबाज अहमद। इस समय आते ही साथ आक्रमक नजर आते हुए मैदान पर है खिलाड़ी तैनात, अलग 4 पॉइंट गेंद जाती हुई मैदान पर खिलाड़ी, 1 रन मिलेगा जरूर इसके साथ, टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 5 रन। अब इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 5 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ, पहली ओवर का खेल चलता हुआ, फुरकानिया 11 ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उमर की अगली गेंद, ये हमदान फुल टॉस से ड्राइव किया है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन बाहर, ये गेंद जाएगी, रन मिलेगी 4, बेड़ा हुआ है पार, अब की बार हमदान का बार 4। एक्शन रीप्ले आप देख सकते हैं, फुल टॉस थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला हुआ है शॉट, 2 खिलाड़ी के बीच में से गैप को ढूंढा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन बाहर जाती हुई गेंद, इस चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। अब इस ओवर की आने वाली यह आखिरी गेंद सामना करेंगे हमदान, इस समय ऊंची बहुत गई है, कितनी लंबी जाएगी, खिलाड़ी है तैनात वहां पर, यह खूबसूरत कैच लिया है हमदान के रूप में मिली ये सफलता, यानी
जो सलामी के दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए थे वो दोनों वापस आ चुके हैं, अरशद वापस आ चुके हैं और हमदान वापस आ चुके हैं। 9 पर मिली है दूसरी सफलता, एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 9। अब यहाँ से आने वाले 5 ओवर का खेल बता रहे कप्तान, खुद बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे, 5 ओवर का खेल बचा है कप्तान, बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज जाएंगे, एक अच्छे बल्लेबाज है, उमेश स्ट्राइकर्स को लीड करते हैं कप्तान है टीम के, 9 रन टीम का स्कोर, एक ओवर की समाप्ति पर उमर दादू जी गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे, अच्छी गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए, यानी दो जो सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए, अरशद जो कि टाइम स्ट्रोक का पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात थे कैच लिया और उसके बाद हमदान को आखिरी गेंद पे वापस भेजा, अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आई। शुरुआती में कुछ देखने के लिए मिला था एक्स्ट्रा के रूप में वाइट गेंद कर रहे थे, मगर उसके बाद अपने गेंदबाजी में कमबैक की, अच्छी गेंदबाजी की। अब दूसरी ओवर का जुम्मा लेकर अब्दुल्ला आए हैं दूसरी ओवर का खेल लेकर, आइटम ओवर द विकेट, लॉक स्वीप लगाया है, गेंद जाती हुई फाइन लेग बाउंड्री के तरफ, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे में भागते हुए नजर आते हुए, मगर गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन बाहर 4 रनों के लिए। इस लॉक स्वीप का अटेम्प्ट और उसमें बखूबी कामयाब होते हुए नजर आए बल्लेबाज अहमद, पिछले मैच में जब इनका पहला मुकाबला हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच जीतने वाला एक खिलाड़ी, इस बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन, दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ अनिवार्य पावर प्ले का एक खेल, एक शॉट फाइन लेग पे, एक शॉट थर्ड मैन पे खिलाड़ी तैनात है, विकेट कीपर है, स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है, मिड ऑन पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात, इस बीच कट करना चाहते थे, लेट कट करना चाहते थे, मगर गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, संपर्क होना बहुत जरूरी है, क्रिकेट हो या प्यार, टाइमिंग सही तो सब कुछ सही, अगर टाइमिंग नहीं तो कुछ भी नहीं। 13 रन 2 विकेट 2 गेंदे हो चुके हैं, यहाँ से आने वाली 4 गेंदों का खेल बचा है, गेंदबाजी करते हुए अब्दुल्ला एक अच्छे गेंदबाज है, अगली गेंद राइट हम ओवर द विकेट, फिर एक बार उसे अंदाज में खेलना चाहते थे और अंपायर से अपील होती हुई वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज अहमद को, अबू उर्फ अब्दुल्ला क्या गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए, आला दर्जे की गेंदबाजी होती हुई नजर आती है और सेलिब्रेशन भी बनता हुआ बीच मैदान पर, जिस तरह से गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए आप रिप्ले देख सकते हैं, एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं, लाइक बिफोर विकेट की अपील और बिल्कुल सामने पाए गए, यानी बल्लेबाज अहमद को जाना पड़ेगा वापस, मोमिन स्ट्राइकर से 30 सीरीज सफलता मिली, फुरकानिया 11 को नए रूप बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए, माज रह गए माज, फहीम बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज फहीम गए हैं, अपनी टीम के साझेदारी को बनाना पड़ेगा, कप्तान सरफराज का साथ देना पड़ेगा, टीम का स्कोर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर, इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी, अब्दुल्ला अच्छी गेंदबाजी करते हुए, उमर दादू जी ने अच्छी शुरुआत करके दी, अगली गेंद ये ड्राइव किया है, खिलाड़ी है तैनात मगर खिलाड़ी को बीट कर ये गेंद जाएगी डीप में, वाइड लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग होती हुई नजर आई, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, एक ही रन मिलेगा इसे के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 14 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 4 गेंदे हो चुके हैं इस ओवर की, 2 गेंदों का खेल बचा है, अब्दुल्ला गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, अब तक अगर देखा जाए काफी खूबसूरत गेंदबाजी हुई है, 5 रन खर्च किए, यहाँ से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है, सरफराज सामना करेंगे, ओहो ये डिफेंस करना चाहते थे, गेंद जाती हुई डीप में, फाइन लेग का खिलाड़ी जब तक के लॉन्ग स्टॉप तक जाते गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाती भी 4 रन हो गए, हमारे अंपायर का इशारा 4, इस 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 18 रन, क्रिकेट के खेल में रन बनना बहुत जरूरी हो, किस तरह बने ये महत्व नहीं रखता, बस रन बनना बहुत जरूरी है, तो 18 रन टीम का स्कोर फुट पर लग चुका है, अब यहाँ से आने वाली आखिरी गेंद है 9 रन अब तक खर्च कर चुके हैं, अब्दुल्ला की अगर बात की जाए इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद, इसमें फिर एक बार हल्के हाथों से फ्लिक किया है, जो खिलाड़ी तैनात थे अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए, 1 रन मिलेगा इसे के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर, फहीम की अगर बात की जाए 1 पर बल्लेबाजी करते हुए और सरफराज की अगर बात की जाए 2 गेंदों में 5 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, सरफराज मोमिन स्ट्राइकर्स के कप्तान है, मोमिन स्ट्राइकर्स 19 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है, मोमिन स्ट्राइकर्स की अगर बात की जाए उमर दादू जी अब गेंदबाजी करने के लिए अपना व्यक्तिगत दूसरा, अपनी टीम के तरफ से तीसरा और अपनी तरफ से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए थे, पहली ओवर जिन्होंने काफ़ी अच्छी की वही गेंदबाज उमर दादू जी जिन्होंने 2 सफलता दिलाए वही गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, फुरकानिया 11 के ओवर से अगर बात की जाए एक बेहतरीन फील्डिंग सजाई गई है, पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, वाइड लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, और 20 यार्ड सर्कल के अंदर अगर देखा जाए
मिड ऑफ और पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और नो बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ इस समय, यानी आने वाली अगली गेंद फ्री हिट होने वाली है। नो बॉल और आने वाली अगली गेंद फ्री हिट होगी। इस नो के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 20 रन, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 20 रन टीम का स्कोर। पहली ही गेंद, ये गुडलिन की गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे सरफराज, गेंद बल्ले का संपर्क देखने के लिए नहीं मिला। ये फ्री हिट बॉल है, सामना करेंगे उमर दादू जी की गेंदबाजी को, ये तीसरी ओवर खेल लेकर आए हैं। इस बीच फिर एक बार उसी तरह से खेलना चाहते थे गुडलिन, स्पॉट होकर गेंद थोड़ी सी नीचे रहने वाली, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क देखने के लिए नहीं मिलता हुआ 20 रन टीम का स्कोर। तीसरी ओवर में खेल लेकर आए, पहली गेंद नो और उसके बाद ये अच्छा कमबैक करते हुए फ्री हिट वाली गेंद पे उमर दादू जी, शुरुआत एक्स्ट्रा से करते हैं और उसके बाद मानो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वही गेंदबाज है अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। इस पीछे शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, शॉर्ट आर्म पुल किया है और सरफराज की ताकत नजाकत है, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर है 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 26 रन। हाफ ट्रैकर ये गेंद, उसे पुल किया और सक्सेसफुल हुए, रिप्ले देख सकते हैं और बहुत ताकत है सरफराज के पास, ये टीम के कप्तान है, ये टीम की शान है और इस सिक्सर के साथ टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ 26 रन। उमर की अगली गेंद सामना करेंगे सरफराज, इस समय फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं, डीप स्क्वायर लेग में जो खिलाड़ी थे जब तक कि आते फील्ड करते एक ही रन मिलेगा, इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 27 रन। फहीम अब स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए नजर आते हुए उमर दादू जी, अब तक 17 रन खर्च कर चुके हैं, 2 विकेट जरूर लिए हैं, 3 गेंदें हो चुकी हैं, आने वाली 3 गेंदों का खेल बचा है। फहीम सामना करेंगे उमर की गेंदबाजी को, इस समय फिर एक बार हाफ ट्रैकर है, शॉर्ट आर्म पुल किया है, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, क्या उम्दा दर्जे का कैच लिया है ये, अपने टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फुरकानिया 11 की टीम, यस ये मिली उमर दादू जी को तीसरी सफलता और टीम को मिली ये 34 सफलता, क्या बेहतरीन फील्डिंग करते हुए नजर आए। शॉर्ट आर्म पुल जरूर किया था, मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात था, रिप्ले आप देख सकते, गेंद पर नजरें जमाई रखे और उसके बाद एक खूबसूरत कैच लिया और कैच लेने के बाद सेलिब्रेशन बनता हुआ नजर आया। जी हाँ, बेहतरीन प्रदर्शन अपने टीम के लिए, मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो, भागो दौड़ो लड़ो और उसके बाद अपने आप से ये पूछो कि डिड आई गिव इट माय वेरी बेस्ट और नॉट, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है देन यू आर अ विनर, और उसी तरह से पूरी तरह से एफर्ट लगाते हुए नजर आते हुए। एक गेंदबाज का भरोसा बढ़ाने के लिए एक फील्डर अच्छा प्रदर्शन करता है तो गेंदबाज का भरोसा बढ़ता है। 27 रन टीम का स्कोर, 4 गेंदें हो चुकी है। 5वीं गेंद हल्के हाथों से केवल कट किया है, खिलाड़ी है तैनात, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो कुछ खतरे की घंटी होती, मगर 1 रन मिलेगा इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 28 रन। यहां से इस ओवर की आने वाली ये आखिरी गेंद, अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए उमर दादू जी 18 रन खर्च कर चुके, 3 विकेट जरूर लिए हैं। इस ओवर की ये आने वाली आखिरी गेंद है, 28 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है, तो तीसरी ओवर की आखिरी गेंद। इस समय फिर एक बार इस समय ये गेंद अच्छी है, गुड लेन पे गेंद थी, टप्पा पड़कर विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई यह आती हुई डॉट बॉल, यानी 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 28 रन टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। उमर दादू जी की अगर बात की जाए, 2 ओवर के स्पेल में 18 रन खर्च किए, 3 विकेट लिए, अब यहां से आने वाले 3 ओवर का खेल बचा है, 18 गेंदों का खेल बचा है, कप्तान किसके हाथों में जिम्मेदारी देंगे, कौन आएंगे गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए, आने वाला समय आने वाला वक्त जरूर बताएगा। ये मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का 5वां मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ है फुरकानिया 11 की टीम तो दूसरे तरफ है वुमेन स्ट्राइकर्स की टीम, दोनों ही टीम ने अपना इंडिविजुअल पहला मुकाबला जीते हैं, वो टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर आते हुए, कोई एक टीम जीतेगी कोई एक टीम हारेगी, जिंदगी में सुख दुख पानी में उतार चढ़ाव ये अक्सर होते ही रहता है, तो उसी तरह से क्रिकेट के खेल में जो अच्छा खेलता है वो जीतता है, तो अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। मोहम्मद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, 34 ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद वाइड यॉर्कर का प्रयास, अंपायर के ऊपर निगाहें होगी, मोहम्मद नो बॉल अंपायर का इशारा, जो क्रीज है उसके बाहर शायद गेंद डिलीवर होती हुई, यानी नो बॉल, इस आने वाली अगली गेंद फ्री हिट होगी और बल्लेबाजी करने के लिए मुस्तकीम आए हैं, एक अच्छे बल्लेबाज है, पिछले मैच में जब इनका इंडिविजुअल पहला मुकाबला था काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, वही मुस्तकीम मोहम्मद फ्री हिट बॉल, ओ फुल टॉस, ये गेंद आड़े बल्ले के साथ खेला क्रॉस जाकर, फाइन लेग में खिलाड़ी है तैनात, अच्छे फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई, 30 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है, 28 से
9 बॉल उसके बाद 29 और उसके बाद ये सिंगल आता हुआ 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से आने वाले 5 गेंदों का खेल बचा है, चौथी ओवर का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद आए हैं। राइट अब राउंड विकेट गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई, एक अच्छी गेंदबाज है 34 नंबर की जर्सी पहनकर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, खड़े खड़े सरफराज शॉट खेले बड़े बड़े। ये कप्तान है, ये टीम की शान है, ये टीम की जान है, ये टीम का अभिमान है और बल्लेबाजी करने के लिए कब भी बीच मैदान पर खड़ा है। अच्छी बल्लेबाजी होती हुई नजर आती हुई, खड़े खड़े आप रिप्ले देख सकते हैं क्या खूबसूरती के साथ ही शॉट खेला है। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए जाती हुई, दो खिलाड़ी थे तैनात मगर उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए 36 रन। ये अगली गेंद इस समय गेंद पैरों से टकराई है, LBW के रूप में यह विकेट मिलेगा। और अगर मोहम्मद की बात करें 34 नंबर की जर्सी पहनते हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं और आप सबको पता होगा इंडियन क्रिकेट टीम में जहीर खान जो 34 नंबर की जर्सी पहनते हैं लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं और हमेशा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आते थे, तो ठीक उसी तरह एक्शन है गेंदबाज मोहम्मद का और उसी तरह से गेंदबाजी भी करते हुए नजर आते हुए, तो एक खिलाड़ी की ओर प्यार है, खिलाड़ी के प्रति प्यार है। ये विकेट मिलता हुआ LBW के रूप में कप्तान सरफराज का वापस आते हुए 36 पर मिली ये 5वीं सफलता, मोहम्मद को मिली ये पहली सफलता। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है, 36 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। SR स्पोर्ट्स पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट लाइव चलता हुआ, जितने भी हमारे साथ लाइव के माध्यम से जुड़े हैं उन सबका हम खैर मकदम करते हैं। फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग भी अपना कीमती समय देकर आप ये टूर्नामेंट लाइव देखते हुए और लाइव टेलीकास्ट क्या खूबसूरत करते हुए, क्या बेहतरीन कैमरा वर्क करते हुए नजर आते हैं SR स्पोर्ट्स की टीम। मोहम्मद की अगली गेंद, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए हैं। ओह क्या खूबसूरती के साथ खेला हुआ शॉट है, खिलाड़ी है तैनात, अच्छी फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई। वाइडिस लॉन्ग ऑफ में जब तक आते फील्ड करते, अच्छी फील्डिंग, एक रन मिलेगा इसे के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 37 रन। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए माज आए हैं 37 रन। यस मुस्तकीम स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए, अब तक वो हाथ खोलने में कामयाब नहीं हुए बड़ा शॉट खेलने में। इस बीच अगली गेंद ड्राइव किया है, हेड ऑफ से गेंद पास होके लॉन्ग ऑफ पे जाती हुई, वाइडिस लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है तैनात, अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आते हुए। रन मिलेगा यहाँ पर एक, इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। 5 गेंदें हो चुकी, आने वाली आखिरी गेंद है, अच्छी गेंदबाजी करते हुए ठीक जहीर खान के एक्शन से गेंदबाजी करते हुए, उन्हीं का जर्सी नंबर है 34 और उसी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट के कदमों का प्रयोग करके बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, टप्पा पड़कर गेंद बाहर की तरफ जाने वाली विकेट कीपर के दस्तानों में। 4 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है 38, 5 विकेट के नुकसान पर 38 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। अब यहां से आने वाले 12 गेंदों का खेल बचा है, मोहम्मद ने अच्छी गेंदबाजी की, अपनी टीम के लिए 10 रन खर्च किए, एक विकेट जरूर मिला, अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती है। माज और मुस्तकीम को अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है, फुरकानिया 11 ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और निर्णय कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नजर आता हुआ, मगर जो शुरुआत चाहिए थी मुंबई स्ट्राइकर्स की टीम को वो 4 ओवर में 38 रन बन चुके हैं। अब यहां से कहीं ना कहीं 20-25 रन बनना बहुत जरूरी है, आने वाले 12 गेंदों का खेल बचा है और 20-25 की साझेदारी बनना बहुत जरूरी है मुंबई स्ट्राइकर्स टीम की अगर बात की जाए, और 20-25 बनाने से रोकने फुरकान या 11 को। अब गेंदबाजी करने के लिए अगले गेंदबाज अब्दुल्ला आए हैं, जिन्होंने अपने स्पेल की अगर बात की जाए अच्छी गेंदबाजी की थी। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, जो खिलाड़ी तैनात थे शॉट थर्ड मैन में अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए, एक रन मिला, इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 39 रन टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। इस ओवर की 5 गेंदें आने बाकी है, पहली गेंद पे ये सिंगल, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, शॉट थर्ड मैन पे खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए। ये दोनों बल्लेबाज एक तरफ है माज और दूसरी तरफ है मुस्तकीम, मास सामना करेंगे, ऊंची बहुत गई है, कितनी लंबी जाएगी, और शायद वो खिलाड़ी कह रहे थे कि मुझे ये गेंद नहीं दिख रही है, गेंद नहीं दिख रही है, मगर उसे अच्छा बैकअप करते हुए नजर आए दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने काफी खूबसूरत कैच लिया, उमर दादू जी, ये भाई आज इनका दिन है। एक खिलाड़ी कह रहे थे कि मुझे ये गेंद बिल्कुल नहीं दिख रही, आप रिप्ले में देख सकते हैं क्या खूबसूरती के साथ बॉल को कैच किया, कैमरामैन का वर्क देख सकते हैं, आखिरी समय तक बॉल को देखा, और दूसरे खिलाड़ी वहां पर कह रहे थे कि मुझे गेंद नहीं दिख रही है, 11 नंबर की जर्सी जिन्होंने पहनी, मगर उमर दादू जी ने कहा कि मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रख, मुझ पे विश्वास रख, और क्या खूबसूरत कैच लिया है।
यह है छठा विकेट टीम के स्कोर की अगर बात की जाए 39 रन। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। साध बल्लेबाजी करने के लिए गए साध सुनिश्रा बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज। 6 विकेट टीम का स्कोर 39। ये पांचवी ओवर का खेल चलता हुआ, 2 गेंदे हो चुकी है, यहां से आने वाली 4 गेंदों का खेल बचा, 6 ओवर का मैच चलता हुआ। आप देखते हुए बीबीएल बहरमबाग लीग सीजन 4 पावर्ड बाय ब्लू ओशन रियलिटी। इस बीच कदमों का प्रयोग, गेंद जाती हुई लॉन्ग स्टॉप रीजन में और कहीं ना कहीं एक गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, गेंद ने बल्ले का शायद बाहरी किनारा लिया, विकेट कीपर बीट होते हुए विकेट कीपर के ऊपर से गेंद पास होकर जाती हुई बाउंड्री लाइन बाहर। 2 खिलाड़ी जरूर थे फाइन लेग और थर्ड मैन में, मगर गेंद को रोकने में नाकाम होते हुए 4 के साथ टीम का स्कोर 43 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 3 गेंदे हो चुकी है, रीप्ले आप देख सकते हैं। इस बीच गेंद कदमों का प्रयोग किया, ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ शॉट, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है तैनात, अच्छी फील्डिंग होती हुई नजर आते हुए और उमर दादू जी अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आते हुए अपनी टीम के लिए अगर बात की जाए 2 ओवर इन्होंने किए, 18 रन खर्च किए और 3 विकेट लिए। वही उमर दादू जी अपनी स्ट्राइक स्क्रीन पे दिखते हुए नजर आए हमारे को। मुंबई स्ट्राइकर्स 44, 6 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर स्कोरबोर्ड पर लग चुका है। 44 रन टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। ये मुस्तकीम अभी बीच मैदान पर मौजूद है, मुस्तकीम में क्षमता है, मुस्तकीम में काबिलियत है, अब्दुल्ला की गेंदबाजी को सामना करेंगे। इस बीच गेंद फिर से डालनी पड़ेगी आउटसाइड टॉप स्टंप वाइड, ये वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 45। रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आती हुई अब्दुल्ला गेंदबाजी करते हुए, 4 गेंदे हो चुकी है। यह अगली गेंद पहली आउटसाइड टॉप स्टंप और ये ऑफसाइड द लेग स्टंप, यस व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा। इस व्हाइट के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन, 4 गेंदे हो चुकी हैं। इस बॉल का दूसरा ओवर करते हुए अब तक 18 रन खर्च कर चुके हैं, 2 विकेट इन्हें भी मिले हैं, अच्छी गेंदबाजी इन्होंने भी की है अब्दुल्ला ने। अब यहां से आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। अगली गेंद इस समय ये बड़ा शॉट जरूर खेला है, खिलाड़ी है तैनात, फिर एक बार उमर दादू जी भाई इनका दिन है आज, एक हाथ से लिया हुआ एक कैच है, क्या खूबसूरत कैच लिया है अपने टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भाई, ये आज मानो इनका दिन है, आज नसीब भी इनके साथ है। गेंदबाजी करते हुए 18 रन देके 3 विकेट, उसके बाद इससे पहले खूबसूरत कैच, रिप्ले आप देख सकते हैं। फिर एक बार वो खिलाड़ी कह रहे थे कि मुझे ये गेंद नहीं दिख रही थी, मगर उमर ने फिर कहा कि मैं हूं ना। गेंद देख सकते हैं और एक हाथ से वो भी लेफ्ट हैंड से ये कैच लिया, एक बार तालियां बजनी चाहिए उमर दादू जी के लिए जिस तरह से ये कैच लिया है, क्या प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं अपनी टीम के लिए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि आप चल नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़ो, लेकिन जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ो। इसी के साथ टीम के स्कोर की अगर बात की जाए, रन संख्या की अगर बात की जाए, 46 रन टीम का स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद 46। 5 गेंदे हो चुकी, आने वाली आखिरी गेंद है अब्दुल्ला गेंदबाजी करते हुए। अब अगर समीकरण की बात की जाए ना, उमर दादू जी ने भी 18 रन देके 3 विकेट लिए हैं, अगर ये गेंद डाउट आती है ना तो दोनों का समीकरण सेम हो सकता है, अब्दुल्ला का और उमर दादू जी का। फुरकान या 11 के ओर से ये अगली गेंद, ये बड़ा शॉट जरूर लगा है, कैच का मौका है, कवर पे खिलाड़ी है तैनात, ये लिया है कैच, 18 रन देके 4 विकेट लिए हैं अब्दुल्ला ने, क्या बेहतरीन प्रदर्शन अब्दुल्ला ने भी किया है और साथ ही साथ खिलाड़ियों ने साथ दिया है। 8 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 46। 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 18 रन दिए जरूर है, 4 विकेट भी लिए हैं, अपने स्पेल के 2 ओवर खत्म किए हैं अब्दुल्ला ने। अब यहां से आने वाली आखिरी ओवर यानी स्लॉग ओवर, जिस लॉग ओवर करने के लिए कौन से गेंदबाज आएंगे। 46 रन, समीकरण देख सकते हैं आप, पूरी तरह से स्कोर को रुकाया है। फुरकानिया 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और निर्णय कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ, गेंदबाजों ने भरोसा जो टीम था वो भरोसे पे खड़े उतरते हुए नजर आए, अच्छा कैच लेते हुए नजर आए, रिप्ले में आप देख सकते हैं। और कैच लेने के बाद एक शांत स्वभाव गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर लेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद हाफ ट्राइकर, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई तेजी के साथ, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वही के वही 46 पर रुकी हुई। अब्दुल्ला दादू जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए,
पिछली बार पिछली ओवर में लॉन्ग ऑफ पे यही तैनात थे खिलाड़ी, वही गेंदबाज आए हैं। इस बीच कदमों का प्रयोग किया है, ऊंची बहुत गई है और ये कहीं ना कहीं जो सामने बिल्डिंग है उसके चौथे फ्लोर तक गई होगी, इतनी ऊंची है गेंद थी। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। इस 6-7 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब्दुल्ला दादू जी कदमों का प्रयोग, क्या ऊंची गई है आसमान को छूते हुए, उड़ी 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 और गेंद जाके सीधी पार्किंग में गिरी 6 रनों के लिए। 6-7 टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 52 रन। अब कहीं ना कहीं स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आया, गाड़ी ट्रैफिक से बाहर निकलते हुए नजर आई 52 रन। अब्दुल्ला दादू जी की अगली गेंद, बल्लेबाज ये फुल टॉस, कदमों का प्रयोग फिर एक बार किया है, खिलाड़ी है तैनात वहां पर, अच्छी फील्डिंग होती हुई नजर आई, 1 रन मिलेगा। अब साद और मोहम्मद ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। 1-7 टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 53। इस ओवर की गेंदें हुई है 3, यहां से आने वाले 3 गेंदों का खेल बचा है। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला चलता हुआ, देरी से आने वाले दर्शकों को और नए दर्शकों को बताना चाहेंगे ये मुकाबला चलता हुआ फुरकानिया 11 बना मुमिन स्ट्राइकर्स के बीच में मुकाबला चलता हुआ। दोनों ही टीम ने अपना इंडिविजुअल पहला मुकाबला जीते। फुरकानिया 11 ने आगाज किया था आज के दिन का, पहला मुकाबला खेले थे जीते भी थे और तीसरा मुकाबला खेले थे मोमेंट स्ट्राइकर्स जीते भी थे। इसमें चकली गेंद वाइड ओवर द विकेट, हाफ ट्राई कर शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले का उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं जितना चाहते थे, 1 रन मिलेगा। इस 1-7 टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 54। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 54 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है, आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है। विकेट कीपर बात करते हुए कि ये 2 गेंदें कहीं ना कहीं सेफ आना बहुत जरूरी है और बल्लेबाजी करने वाली टीम लॉन्ग ओवर चलती हुई रन बनाने बहुत जरूरी है। इस बीच फिर एक बार कदमों का प्रयोग किया, ऑन साइड की दिशा में खेला हुआ, कॉल कॉर्नर रीजन में खिलाड़ी है तैनात, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे की मांगे, क्या ये दूसरा रन पूरा कर पाएगी? जी हाँ, ये दूसरा रन भी पूरा कर पाएगी। इस 2-7 टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 56, अब तक 56 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। इस ओवर की आने वाली ये आखिरी गेंद है, 56 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है, जहां पर 46 पे पारी रुकी हुई थी। लॉन्ग ओवर देकर अब्दुल्ला दादू जी आए और बल्लेबाजी करते हुए साद ने अपने हाथ खोले और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, 6 पर 14 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए साथ एक अच्छे बल्लेबाज, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए टीम को पूरी तरह से साथ देते हुए नजर आते हुए अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आते हुए ये अगली गेंद लंबे रनअप के साथ अब्दुल्ला दादू जी राइट ऑफ ओवर द विकेट, फिर एक बार कदमों का प्रयोग किया है, बॉडी से दूर ये गेंद वाइड बॉल, इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। ऑन फील्ड जो हमारे अंपायर है मैन अंपायर उनका इशारा वाइड, इस वाइड के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57-57 रन, आने वाली ये आखिरी गेंद है, 57 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। सात बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए अगली गेंद सामना करेंगे। इस बीच फिर एक बार अक्रॉस जाकर सफल होकर खेलना चाहते थे और गेंद डॉट बॉल आई है और रन आउट के रूप में विकेट भी मिला है, 7 आउट होते हुए आएंगे वापस 9 विकेट के नुकसान पर। टीम का स्कोर है 57 रन और जीतने के लिए यहां से लक्ष्य रखा है 36 गेंदों में 58 का। और साथ ही साथ अब अगले इनिंग का हाल सुनेंगे मेरे साथी कमेंटेटर, क्या 36 गेंदों में 58 बन पाएगी या नहीं, फुरकानिया 11 ये रन चेस कर पाएगी या नहीं, वो सुनाने के लिए मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे साथी कमेंटेटर अख्तर सर, ओवर टू यू सर।
इसके बाद जो मैच होगा मदीना 11 वर्सेस वेस्टर्न यूनाइटेड के बीच, दोनों ही टीम का कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। वेस्टर्न यूनाइटेड के कैप्टन हारिस और मदीना के कैप्टन, मदीना 11 के कैप्टन आ जाए। दोनों ही उमर और उमेर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जाते हुए। अट्ठावन रनों की जरूरत, 58 रन टू विन इन 6 ओवर। BBL बहरामबाग लीग सीजन 4 2024 पावर्ड बाय ब्लू ओशन रियलिटीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। वीनस ग्राउंड गोरेगांव वेस्ट, लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं यूट्यूब पर SR स्पोर्ट्स की जानिब से। पहली गेंद और पहली गेंद पर ये गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद से अपने इरादे यहां पर जता दे वे उमर। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, सामना करेगा रेड गेंद का। टॉस के लिए अमर भाई बार वन साइड में लॉन्ग ऑन की दिशा में वन बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 होने के लिए। दो गेंदों पर 2 चौके उमर ने चढ़ाया और अपने इरादे दिखा दिए कि किस तरह से हम बल्लेबाजी करने वाले हैं और कितने जल्दी है मैच खत्म करना चाहते हैं। शायद उमर को भूख लगी है और वो भूख रनों की है। हाँ बिरयानी की भी हो सकती है। अगली गेंद इस ओवर की, यह बढ़िया शॉट है और ये गेंद जाती हुई डीप वाइडिश मिडॉन पर 1 रन के लिए। 3 गेंदें हो चुकी हैं, 3 गेंदों में 9 रन। सबील जहां कहीं भी हो प्लीज, हारिस आपको बुला रहे हैं। सबील लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है, 1 रन दौड़ करके पूरा किया, 2 अंकों में 10 पर पहुंचा दिया टीम के स्कोर को। भाई हक के बल्लेबाज तैयार, सामना करेंगे आने वाली गेंद का। एंड डबल फिगर 10 पटकी हुई गेंद और उस गेंद पर प्रहार और गेंद जा रही है सीमा पार। हाहन हैंडसम गगनचुंबी सिक्सर, बेहतरीन बल्लेबाजी। उमर और कौन है? उमर खेल रहा है। उमर खेल रहा है। उमर उमर फिर एक बार तैयार। इतने साल मदीना मंजिल की टीम से खेलते थे, एक बार टीम चेंज कर। अच्छा। वेस्टर्न को पूछो ना क्या यार, माइक वाला परेशान कर दिया, आवाज ही नहीं पूछता था आगे। वेस्टर्न बॉलिंग, जी हाँ वेस्टर्न पार्क के कैप्टन, वेस्टर्न यूनाइटेड के कैप्टन हारिस ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया है, फील्डिंग को चुना है और मदीना मंजिल को बल्लेबाजी करने की दावत दी है, आमंत्रित किया है, इनवाइट किया है। इस बीच फिर एक बार मैदान पर चलते हैं। मैदान पर अगर हम सिचुएशन देखते हैं कि 7 का ये ओवर समाप्त हुआ है, ओवर समाप्त होने पर स्कोर है 17 रन 17 आफ्टर वन ओवर।
प्लीज जो क्रीज क्रीज बना ले हमारे ग्राउंडमैन से गुजारिश है, ग्राउंडमैन प्लीज क्रीज बना ले। अम्बार भाई ग्राउंड बल को बोल के क्रीज बना लो ना, दिख रहा नहीं अंपायर बोल रहा है दिख रहा नहीं है। अंपायर आफ्टर दिस मैच अच्छी गेंद बढ़िया गेंद सरफराज गेंदबाजी के लिए बढ़िया शॉट है, एक कदम आगे बढ़कर के खेला गेंद हवा में लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक और लॉन्ग ऑफ पर माज खड़े और माज ने आसान सा कैच लिया और इस तरह से विकेट गिरता हुआ उमर यहां पर आउट हुए। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अपनी टीम के लिए, एक अच्छा योगदान देते हुए। कितने बॉल खेलो मिली को 16 रन उमर ने बनाए लेकिन शुरुआत काफी अच्छी कर दी है अपनी टीम के लिए, अच्छी शुरुआत दी है, अच्छा स्टार्ट दिया है और अब बल्लेबाजी के लिए साहिल, बाएं हाथ के बल्लेबाज साहिल। ऑन साइड में बढ़िया शॉट है लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत ही उम्दा फील्डिंग, केवल एक रन। कड़कड़ाती धूप मैदान पर और इस कड़कड़ाती धूप में एक चमकदार क्रिकेट मैदान पर चलता हुआ। अगली गेंद ईश्वर की, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, टॉप एज लग करके गेंद गई और यहां पर सफलता प्राप्त होती हुई, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच बिल्कुल। दूसरा विकेट गिरा, उमेर आउट होकर के पद में वापस जाते हुए और उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज तौफीक मैदान पर जा रहे हैं। तौफीक 58 रन को लक्ष्य, पहले ओवर काफी बेहतरीन 17 रन बनाए थे लेकिन दूसरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी यहां पर सरफराज द्वारा, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, काफी अच्छी गेंदबाजी हमेशा ही करते हैं और आज भी उन्होंने अपने इस गेंदबाजी का जलवा यहां पर बिखेरा। तैयार गेंदबाजी करने के लिए राइट आर्म ओवर द राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, फिर एक बार गेंद टॉप एज लगकर के हवा में गई और लगातार दो गेंदों पर दो विकेटें सरफराज ने यहां पर इस ओवर में तीन विकेटें हासिल की है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी सरफराज द्वारा। एक्सपीरियंस यहां पर जो तजर्बा जो था उन्होंने यहाँ पर आजमाया और उस तजर्बे में उन्हें कामयाबी मिली और बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, तीन विकेटें। पहले ओवर में 17 रन आए थे लेकिन दूसरे ओवर में नपी तुली और सदी भी गेंदबाजी, केवल एक रन दिया और तीन विकेटें हासिल किए। और हो गया तो और की थी वहां पे दो भाई, क्या सरफराज तो यहाँ गिन रहा है, देखो अंपायर वन टू गो भाई एक बॉल बाकी है। जी हाँ वन टू गो, आखिरी गेंद इस ओवर की ऑन हैट्रिक सरफराज, तो क्या सरफराज यहां पर हैट्रिक लगा पाएंगे? लेफ्टी बैट्समैन से भी पड़ी ना। SMS करे 5252 पर और बताए हमें कि सरफराज हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, सामना करेंगे सरफराज के आने वाली गेंद का, 18 रन और विकेट गिरी है तीन, तीनों ही विकेट सरफराज ने लिखी, ऑन हैट्रिक सरफराज, राइट आर्म राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद और इसे खेल दिया है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को रोकने में सफलता प्राप्त की लेकिन एक रन नहीं रोक पाए और
इसके साथ ही ओवर नंबर दो यहां पर समाप्त हुआ। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। सरफराज ने एक ओवर में तबाही मचा दी यहां पर, जो पारी बहुत ही आसानी के साथ ऊपर जा रही थी। 17 रन पहले ओवर में आए थे, दूसरी ओवर में उन्होंने 2 रन दे करके 3 विकेटें हासिल की और पूरी तरह से धराशायी करके रख दिया, बैकफुट पर ढकेल दिया यहां पर। फुरकानिया 11 को, अहमद गेंदबाजी के लिए 58 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। फुरकानिया 11 को, अहमद बाएं हाथ के बल्लेबाज अहमद तैयार, गेंदबाजी के लिए तैयार अहमद। अहमद की गेंद को खेला ऑन साइड में, वाइड स्पिन की दिशा में गेंद गई, 1 रन लिया। पटकी हुई गेंद, लेग स्टंप से बाहर, व्हाइट का इशारा अंपायर का, एक्स्ट्रा से स्कोरिंग में इजाफा 21-21। अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, इस बार बैकफुट पर जाकर के पंच किया है और ये गेंद जा रही है वाइड स्पिन सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट, बैकफुट पर जाकर के पंच किया है। बैकफुट पर सिक्स मारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर। नए उभरते हुए खिलाड़ी है साहिल द्वारा आता हुआ ये सिक्स है, तैयार फिर एक बार सामना करेंगे अनिल गेंद का। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन गेंद, लेकिन उसे बहुत ही खूबसूरत से कहते हैं कि खोद के निकाला है उसे। 1 रन की बदौलत स्कोर 28 पर पहुंचा 28। जीत के लिए 58 चाहिए, लक्ष्य 58 रनों का, 58 रन टू विन इन 6 ओवर। तीसरा ओवर मैदान पर चल रहा है, 28 रन हो चुके हैं, मैच अभी भी ऑन है। दोनों ही टीमें अपनी जानिब से कोशिश करती हुई और मैच अभी भी बैलेंस है। देखना है कौन सी टीम यहां पर जीत हासिल करती है इस मुकाबले में। BBL बहराम बाग लीग सीजन 4 2024 वीनस ग्राउंड गोरेगांव वेस्ट लाइव टेलीकास्ट इस टूर्नामेंट का। अगली गेंद, इस बार गेंद हवा में है, देखना है खिलाड़ी गेंद के नीचे। सरफराज तेजी से दौड़ करके आए लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर और 1 रन, दूसरे रन की कोशिश कर रहे थे वहां पर साहिल, लेकिन साथी खिलाड़ी ने रोका, अन्यथा खतरा हो सकता था। 1 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ करके पहुंचता हुआ 29 रन। 29 यूट्यूब पर अभी अभी जो दर्शक आए हैं उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उनकी जानकारी के लिए कि ये जो मुकाबला चल रहा है वो फुरकानिया 11 वर्सेस मोमिन स्ट्राइकर्स के बीच चलता हुआ। फुरकानिया 11 को 58 रनों चाहिए जीत के लिए। तीसरा ओवर मैदान पर चल रहा है, 3 ओवर पूरे हो चुके हैं, 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। साहिल और फैजान दोनों ही बल्लेबाजी करते हुए, साहिल खेल रहे हैं 4 गेंदों में 10 रन बनाकर और फैजान खेल रहे 4 गेंदों में 3 रन बनाकर। अहमद थोड़े से महंगे साबित हुए, 12 रन अहमद ने खर्च किए इस ओवर में। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आते हुए सरफराज, सरफराज ने 2 रन देके 3 विकेटें ली थी पहले ओवर में, फिर एक बार उनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरफराज तैयार गेंदबाजी करने के लिए, 31 रन 31। 3 ओवर की समाप्ति पर 6 ओवर में 56 रनों का लक्ष्य, 58 रनों का लक्ष्य। बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार, सामना करेंगे अनिल गेंद का सरफराज की।
धीमी गति की गेंद थी, इसे खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन 32-32 एक रन की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ। सरफराज की अगली गेंद सूर्य जी, बार ये गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी द्वारा विकेट हासिल होता हुआ। सरफराज यहां पर कामयाब गेंदबाज, चौथा विकेट सरफराज के खाते में। नए बल्लेबाज हारिस मैदान पर जा रहे हैं। हारिस अगर इस ओवर में दो सिक्सर लगाते हैं तो साजिद भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम। हारिस के लिए मौका है, अगर दो सिक्सर इसी ओवर में लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम साजिद भाई की तरफ से दिया जाएगा। साहिल आउट होकर के पहले में वापस जा चुके हैं। सरफराज तैयार गेंदबाजी करने के लिए, हौसले बुलंद। फुलटॉस गेंद थी, उसे फ्लिक किया है फाइन लेग की दिशा में, एक रन की बदौलत स्कोरिंग में इजाफा होता हुआ 32 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर 33 रन। मैं यहाँ देख रहा था ना, इसके लिए यहाँ एक पीछे चलते हैं ना, 33 सरफराज की अगली गेंद इस ओवर की, इस बार बढ़िया शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट और ये गेंद जा रही है 4 रन के लिए, रिवर्स स्वीप। बढ़िया शॉट, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, फिर एक बार तैयार, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, जोरदार अपील यहां पर विकेट कीपर की और आउट। पांचवा विकेट गिरा और सरफराज के खाते में 5 विकेट यहां पर, 5 विकेट सरफराज के खाते में, बेहतरीन गेंदबाजी सरफराज द्वारा। हालांकि एक चौका जरूर लगा लेकिन उसके बावजूद 5 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे सरफराज। सरफराज की इस ओवर की आखिरी गेंद, तेरह गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। पांच विकेट अगली गेंद इस ओवर की, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, धीमी गति की गेंद और जोरदार अपील की थी यहाँ पर सरफराज ने लेकिन अंपायर ने नकारा, इसी के साथ ये ओवर समाप्त हुआ और बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर सरफराज की, 2 ओवर में सरफराज ने 8 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही उम्दा। हारिस बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए फिर एक बार मौका है कि अगर वो ये मैच जिताते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अब गेंदबाजी के लिए पांचवा ओवर लेकर गेंदबाज साद, स्ट्राइक पर हारिस, 12 गेंदों में 13 चाहिए क्या, 12 में 21, 12 गेंदों में 21 रनों की जरूरत,
11 गेंदों में 20 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। सात की अगली गेंद इस ओवर की। अच्छी गेंद, तेज गति की गेंद थी, बहुत ही तेज गेंद, हवा के विपरीत ये गेंद। 10 गेंदों में 20, हर गेंद पर 2 रन, 10 गेंदों पर 20 रन। फुल टॉस बना करके खेला है इस बार। कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है, व्हाइटिश मिड ऑफ पर गेंद गई 1 रन के लिए। नौ बॉल 19 रन, 7 गेंदबाजी करते हुए। स्ट्राइक पर है हारिस तैयार, सामना करेंगे आर्यल गेंद का। 7 रुस्तम जी एंड से, ओहो तेज गति की ये गेंद, फुल टॉस थी और यहां पर रन आउट का चांस है। जी हाँ, अच्छा थ्रू, अच्छी फील्डिंग, स्क्वायर लेग क्षेत्र में खड़े थे फील्डर, गेंद को उन्होंने जैसे ही अपने हाथों में लिया तुरंत फौरन बिल्कुल लौटा दिया तेजी के साथ और इस तरह से एक और विकेट गिरता हुआ रन आउट के रूप में। तो विकेट नंबर 5 यहां पर गिरता हुआ। 7 गेंदबाजी कर रहे हैं, 19 रन अब तक 7 ने खर्च किए हैं। 4 गेंदे हो चुकी है इस ओवर की, 2 गेंदे अभी भी आनी शेष, 2 गेंदे बची हैं इस ओवर की। देखना है 7 2 गेंदों में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं और नए बल्लेबाज मैदान पर उमर। कितने उमर है भाई। बढ़िया शॉट यहां पर, लेकिन उतनी ही उम्दा कैच, खूबसूरत कैच, फॉलो थ्रो में दौड़ते हुए बहुत ही बेहतरीन कैच और यहां पर 7 को सफलता मिलती हुई और उमर रास्ता नापते हुए। बहुत ही बेहतरीन कैच, उम्दा कैच। अबू नए बल्लेबाज अब्दुल्ला, विकेटों की लाइन यहां पर, छठा विकेट गिरा, 7वां विकेट गिरा। अब्दुल्ला आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 7 को सफलता प्राप्त हुई, फिर एक बार तैयार 7 गेंदबाजी करने के लिए। फील्डिंग में थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल परिवर्तन किया गया। 7 इस बार बढ़िया शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट है, फाइन लेग सिमर के बाहर, 4 रन के लिए गेंद जा रही हुई। ओवर समाप्त हुआ यहां पर, ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 48 रन। आखिरी ओवर है, आखिरी 6 गेंदों में अभी भी मैच जीतने के लिए। 15 रनों की जरूरत है, 6 गेंदे 15 रन, 6 गेंदों में 15 रन चाहिए। हारिस भाई अगर ये मुकाबला जिताते हैं तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा उनके लिए, इनामी राशि जो है बढ़ती जा रही है। अम्मार भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और कैश रहेगा, बिल्कुल ऑन अकाउंट नहीं होगा, पेटीएम नहीं होगा। 15 रनों की दरकार, 15 रन की जरूरत, 15 रन टू विन इन 6 बॉल। हारिस ऑन स्ट्राइक एंड बॉल फहीम गेंदबाजी के लिए, लंबा रन फहीम का।
अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, जोरदार अपील वहां फहीम की। अंपायर ने कहा कि गेंद स्टंप से ऊपर जा रही है। अगली गेंद आरिस ने खेला इसे ऑन साइड में और यहां पर ये तू तू मैं हा हा ना ना और ये विकेट गिरता हुआ। वो नॉन स्ट्राइक पे चार गेंदों में 14 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज अब्दुल्ला, एक अब्दुल्ला आउट हुए, दूसरे अब्दुल्ला आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, लेग बाय। तीन गेंदें बची हैं और तीन गेंदों में 13 रनों की जरूरत। और हारिस के लिए इनाम बढ़ता हुआ 2000 रुपए का इनाम हारिस के लिए अगर मैच जीता दे तो। और ये गेंद 4 रनों के लिए, बढ़िया शॉट है, फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। दो गेंदे बची है और 9 रनों की दरकार। मैच अभी भी ऑन है, दो गेंदों में 9 रन बन सकते हैं। बिल्कुल हारिस तैयार सामना करेंगे आने वाली गेंद का। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, डॉट बॉल, आखिरी गेंद, लास्ट बॉल, 9 रनों की जरूरत। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद है, 9 रन की जरूरत। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो, और आखिरी गेंद पर बैकफुट पर जाकर के खेला है और ये विकेट गिरता हुआ हारिस का। आखिरी गेंद पर विकेट गिरा और इसी के साथ ये मुकाबला मोमिन स्ट्राइकर्स ने जीत लिया है। वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम मैदान में आती हुई अगले मुकाबले के लिए और